उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक हैरतअंगेज मामले को लेकर फिर से सुर्खियों में है। बता दें कि मॉल एवेन्यू में रहने वाले एक आईपीएस अधिकारी ने अपने पड़ोसी की अश्लील हरकतों से तंग आकर हुसैनगंज कोतवाली में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी आजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अफसर की माने तो बीते दिनों घर के स्टाफ ने उन्हें पड़ोसी आजिम की अश्लील हरकतों को लेकर आगाह किया था, जिसके बाद दो दिन पहले उनके ड्राइवर द्वारा अजीम को छत पर निर्वस्त्र होकर नहाते देख विरोध किए जाने पर अजीम ने उनके साथ भी अभद्रता की। इसी के चलते सोमवार दोपहर खाना खाते वक्त अधिकारी ने अजीम को छत पर दोबारा नंगा नहाते देख अपने नौकर को बुला उसकी वीडियो बनवाई। इसके बाद पड़ोसी को फटकार लगाकर उसे अश्लील हरकत बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद भी जब आजिम नहीं माना तो उन्होंने हुसैनगंज कोतवाली में शाम को एफआईआर दर्ज करा दी। हुसैनगंज के इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह की माने तो इस वक्त आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।